दोस्तों, अगर आप कुछ जीवन में नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें 5 जानकारी मिलने वाला है जो आपके जीवन में कभी भी काम आ सकता है। तो चलिए वीडियो को बगैर टाइम नष्ट किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल नंबर 1, धनिया का चटनी खाने से कौन 3 बीमारी नहीं होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जल्दी कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है पैर का सूजन नहीं होती है, फलेरिया की बीमारी नहीं होती है, आँखों का आना यानी आँख में कीचड़ देता हो तो वो भी नहीं आता है। इसीलिए जब भी सीजन आए तो ज़रूर खाना चाहिए। अगर भैंस के थान में पानी उतर जाए तो धनिया भून करके खिलाएं। सवाल नंबर 2, हरा मिर्चा को तेल में भूनकर किस महीने में खाने से ठंडा नहीं लगता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती है। दोस्तों, इसका सही आंसर है जाड़े के मौसम में खाने से ठंडा बहुत ही कम लगता है, और जिन लोगों को लेटरिन बाथरूम साफ नहीं होती है उनको जो है हरा मिर्चा तेल में भून लेना है, तवे पे थोड़ा सा तेल डालना है और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद में खाना है, आपको पेट सुबह साफ होगा और क्लीन हो जाएगी, लकवे फालिस की बीमारी भी नहीं होती है। सवाल नंबर 3, कौन सा चीज़ खाने से गठिया पकड़ लेता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी हमेशा आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है अरुई या कंदा का पाता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अरुई या कंदा का पाता खाने से गठिया की बीमारी पकड़ लेता है घुटने में। दोस्तों, ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके जीवन में कभी भी काम आ सकता है। दोस्तों, सवाल नंबर 4, दाल खाने से क्या फ़ायदा मिलती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत कीजिएगा कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेट की पूरी गंदगी साफ होता है दाल खाने से, और तरह तरह की बीमारी भी नहीं होती है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलती है, इसीलिए दाल जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, एक साल में एक बार होता है दाल। सवाल नंबर 5, कौन सा नींबू भूलकर नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, उससे बीमारी हो सकता है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों, इसका सही आंसर है जमीरा नींबू नहीं खाना चाहिए। जो लोग जमीरा नींबू, एक होता है एक बड़ा वाला नींबू से थोड़ा छोटा होता है, उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इनसे बहुत बीमारी पैदा होती है। थैंक यू दोस्तों, बने रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।